पर हम लोगों से अरबों रुपया कमाया जाता है किसानों से। यहाँ पर कोई भी किसानों को किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी जाती है। आज हम पिछले करीब 48 घंटे से जाम में लगे हुए हैं और बरसात भी हुई, यहाँ यार्ड पूरा खुला हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों की, सामान की कोई सुरक्षा नहीं, हम लोगों का सामान भी भीग जाता है, हम लोग स्वयं भीग जाते हैं और तौलने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितना भी संभव हो सके किसान को सुविधा दी जाए। जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो हम लोगों से 5 रुपये 10 रुपये कमाते हैं, वो भी हम लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। यहाँ हम लोगों से अरबों रुपया कमाया जा रहा है और हम लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था, ऐसी कोई असुविधा किसानों को नहीं हो रही है। फैक्ट्री हमारी जो है 13 तारीख में मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो है 3.5 घंटे बंद रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ हो गई है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी टेम्परेरी टॉयलेट जो है पहले से ही था यहाँ पे किसानों के लिए, और बाकी एक नया जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है टॉयलेट जो है बन रहा है, नियर अबाउट जो है 90% कम्प्लीट हो चुका है और आगे जो है 3-4 दिन में जो है कम्प्लीट हो जाएगा और किसान जो है उसमें जो है जा सकेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी असुविधा नहीं।